जिस महाविनाशक युद्ध पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई थी, वो विध्वंसक युद्ध जिसने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। उस युद्ध पर अब संघर्ष विराम लग गया है। इजराइल और हमास ने गाजा में 11 दिनों से जारी युद्ध को लेकर संघर्ष विराम यानी सीज फायर की घोषणा की है। इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और अधिकांश इजराइल में भी जनजीवन ठप हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सुरक्षा मंत्रिमंडल की देर रात तक चली बैठक के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। पीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि मंत्रिमंडल ने गाजा में संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, इसराइल और फिलिस्तीन के जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में अपने चाहने वालों को खोया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही बाइडेन ने इसराइल की तारीफ भी की और कहा उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि भविष्य के लिए आयरन डोम सिस्टम की पूर्ति की जाए। बाइडेन ने कहा, मेरा मानना है कि हमारे पास आगे बढ़ने का एक वास्तविक अवसर है और मैं इसके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस खबर के बाद गजा के लोग फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए जश्न मनाते नजर आए। इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहे हैं। हालांकि 11 दिन चले इस संघर्ष में करीब 230 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। वहीं इसराइल के 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद यह फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के आतंकियों के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें गजा हिंसा में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद है और वह संघर्ष विराम का रास्ता चाहते हैं। इसराइल और हमास के बीच लड़ाई 10 दिन पहले तब शुरू हुई थी जब उग्रवादी समूह ने यरूशलम पर रॉकेट दागे। इससे पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़पों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इसके बाद इसराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजरायली शहरों पर 4000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इस युद्ध में इसराइल का आयरन डोम खूब चर्चा में बना रहा। ये डिफेंस सिस्टम हवा में ही रॉकेट्स को ध्वस्त कर देता है। अब आपको बता दें कि इसराइल के साथ सीज फायर की पुष्टि हमास ने भी की है और यह सीज फायर समझौता शुक्रवार तड़के 2 बजे से शुरू हो गया। इसके साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 10 मई को शुरू हुआ संघर्ष 11 दिन के खून खराबे के बाद गुरुवार देर रात समाप्त हो गया। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।